हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ओपीसी के ऊपर। तो ओपीसी होती है वन पर्सन कंपनी। तो ओपीसी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उसका क्या बेनिफिट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, 24th and 25th of September मुंबई में ट्रेनिंग है, सैटरडे संडे है। उसके बाद 15th and 16th October बैंगलोर में ट्रेनिंग है। जो भी इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अभी हमारे पास सीट्स अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ओपीसी जो है वन पर्सन कंपनी, वो सेटअप इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जैसे जो अगर इंडिविजुअल पर्सन है वो बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि अगर उसके अलावा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता है या पार्टनरशिप करना चाहता है या कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे सेट करना चाहता है तो वहां पे एटलीस्ट दो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। बट एज अ इंडिविजुअल पर्सन अगर कंपनी बनाना चाहता है तो एक ही ऑप्शन होता था, सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो वो सारों को खत्म करने के लिए और एक सिंगल पर्सन अगर कंपनी आना चाहता है तो उस कंपनी का जो बेनिफिट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो सारा एक सिंगल पर्सन को देने के लिए ओपीसी यहां पे फॉर्म किया गया है। तो वन पर्सन कंपनी में सारे बेनिफिट्स होते हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं सोल प्रोप्राइटर के, वो भी यहां पे हट जाते हैं। तो क्या क्या यहां पे बेनिफिट्स होंगे, देखिए सोल प्रोप्राइटर तो वैसे सबसे अच्छा और इजी फॉर्म होता है एज अ इंडिविजुअल के लिए। एक छोटा बिजनेस स्टार्ट जब वो करता है तो सोल प्रोप्राइटर सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। बट यहां पे उसका एक ड्रॉबैक होता है, यहां पे लायबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड का क्या मतलब है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटर में कोई पैन कार्ड नहीं बनता है सेपरेट बिजनेस का, जो इंडिविजुअल का पैन कार्ड होता है उसी पे पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है। तो यहां पे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में लॉस भी होता है तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी वहां पे रिस्क पे आ जाती है। बट ओपीसी में ऐसा नहीं होता है। तो ओपीसी एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट यहाँ पे डायरेक्टर जो है एक सिंगल पर्सन रहेगा और थोड़े बहुत उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। तो वन पर्सन कंपनी अलग है और वो इंडिविजुअल अलग है। तो ओपीसी और सिंगल पर्सन जो है यहाँ पे दोनों सेपरेट रहेंगे, तो एक सेपरेट एंटिटी रहेगी ओपीसी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। इसके अलावा क्या होता है, बैंक्स और जो लोन्स होते हैं ये भी इतनी इजीली सोल प्रोप्राइटर को नहीं मिलते हैं, बट जो ओपीसी होती है यहाँ पे उसको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कस्टमर्स भी यहाँ पे आप पे ट्रस्ट करते हैं अगर आपकी ओपीसी होती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब इसके अलावा जैसे टैक्स के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर में जो टैक्स होता है वो इंडिविजुअल में जो टैक्स स्लैब्स होते हैं वही चीज सोल प्रोप्राइटर में इंप्लीमेंट होती है, बट ओपीसी में जो कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे फॉलो होता है। आपको ऑडिट रिपोर्ट ये सब कुछ, तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होती है। अब यहाँ पे इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आपको कंप्लायंस कॉस्ट में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। मतलब आपको एक टैक्स कंसल्टेंट रखना पड़ता है, सीए की फीस देनी पड़ती है, ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ये सारे जो कंप्लायंस है ओपीसी में बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। बट कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है वो है कंपनी लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। तो जो कंपनी लॉज हैं वो ओपीसी में अप्लीकेबल होते हैं, बट ये चीज सोल प्रोप्राइटर में अप्लीकेबल नहीं होती है। तो जितने भी कंपनीज के लॉ बने हुए हैं वो सारे यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे बट सोल प्रोप्राइटर में नहीं होते। सो यहाँ पे अगर आप ओपीसी बनाना चाहें तो आप ओपीसी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर सिंगल पर्सन है तो आप ओपीसी बना सकते हैं और अपना बिजनेस जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओपीसी में एक और बेनिफिट होता है, आप यहाँ पे एक नॉमिनी रख सकते हैं। तो ओपीसी में वो जो नॉमिनी है, अगर किसी रीजन से जो ओपीसी में सिंगल डायरेक्टर है उनकी डेथ हो जाती है तो उस वजह से नॉमिनी को जो बिजनेस है वो ट्रांसफर हो जाता है। बट ये चीज सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में तो इंडिविजुअल पैन कार्ड ही होता है, तो उनका जो भी सक्सेसर है तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्रांसफर तो होगा बट वहां पे आपको क्या होगा, नया सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी पड़ेगी क्योंकि वो तो पैन कार्ड पे ही अप्लीकेबल होती है। तो पैन कार्ड तो जो पर्सन है वो अगर उनकी डेथ हो गई है तो अब जो दूसरा उनका, अगर फॉर एग्जांपल उनका सन या डॉटर किसी को भी वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका जो नेक्स्ट सक्सेसर है तो उस केस में वहां पे नया सोल प्रोप्राइटरशिप बनेगी। सो वो सोल प्रोप्राइटर को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, कोई लोन चल रहा है तो वो सारी जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है उसको सेल आउट करके या उसके अगेंस्ट ही वो एडजस्ट होगी और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो डेथ होते ही सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो ये यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं ओपीसी में और सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सोल प्रोप्राइटरशिप का ओपीसी। बट ओपीसी में फिर कॉस्टिंग्स और ये सारी चीजें आपकी बढ़ जाती है। तो बट आप ओपीसी करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी आपको कुछ बेनिफिट जो है कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो ओपीसी में मिल जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय।